हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम घर में बनाएंगे ब्रेड, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। आप आटे की भी ब्रेड बना सकते हैं इसी रेसिपी से। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और इसी में हम मिला देंगे नमक 1 टीस्पून, खाने वाला सोडा 1 टीस्पून से कुछ कम, आप 3-4 टीस्पून समझ लीजिए, और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, और इसको हम अच्छी तरह से ऐसे छान लेंगे। जिससे इसमें जितने भी ऐसी रोड़ियाँ या कुछ रह जाता है वो निकल जाएगा। हम मिला लेंगे मिल्क पाउडर 1/4 कप, 1/4 कप, और इसको हम अच्छे से ऐसे मिला देंगे। और इसी में हम मिलाएंगे 1/4 कप चीनी, तकरीबन 3 टेबलस्पून, 3 से 4 टेबलस्पून चीनी। देखिए, चीनी और मिल्क पाउडर से इसमें फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है। मैं इसमें यीस्ट बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, है ना, इसमें बिल्कुल भी यीस्ट नहीं डाल रही हूँ मैं। उसकी जगह मैं इसमें डालूँगी विनेगर। इसमें मैं डालूंगी 1/3 कप ऑयल। वैसे तो आप ऑयल थोड़ा और ज्यादा डाल सकते हैं। और इसको मैं खूब अच्छे से ऐसे मिला लूंगी पूरे को। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर, क्योंकि फ्रेंड्स सोडा जो है वो कभी भी बिना खट्टे के, खटाई के कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमको इसमें ज़रूर डालना पड़ता है। और इसमें मैं धीरे धीरे 1 कप मिल्क ऐड करूँगी। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हो या ल्यूक वार्म हो, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। और हम इसको धीरे धीरे इसमें हम मिला देंगे। मैंने पूरा 1 कप मिल्क इसमें ऐड कर दिया है, और हम इसको इसी में बिल्कुल सॉफ्ट डो की तरह इसको हम इसी में लपेट लेंगे, और ये बिल्कुल ऐसे लिपट जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें जाली आने लगी है, ये देखिए इस तरह से, देखिए हाथ के हाथ। मैं इसको बनाऊंगी कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने पहले ही 10 मिनट पहले फ्लेम पर चढ़ा दिया है, और उसमें मैंने नमक डाला है उसके बेस में नीचे। मेरा यूज़ किया हुआ ही नमक है वो, पहले भी मैं उसको बेकिंग के लिए यूज़ करती रही हूँ नमक को। और मैं अब इसको टिन में डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड, अब मैं अपने इस पूरे डो को उठाकर
ये देखिए बहुत अच्छे से ये हो गया है। स्टिकी होता है, होने दीजिए, स्टिकी होगा तभी ये फूलेगा। तो आप इसके स्टिकी होने की चिंता मत करिए। मैं इसको अपने टिन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस तरह से इवनली। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है तो वो लगा लीजिए ग्रीस करके, वो नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप पतला वाला फॉइल लगा सकते हैं ग्रीस करके, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक नॉर्मल पेपर को दोनों साइड से ऑयलिंग करके उसको आप बटर पेपर की तरह बना सकते हैं। देखिए मैं बोल में से सारा बैटर ऐसे ही निकाल लिया है मैंने और इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, और मैं एक इसको पूरा इवन कर रही हूँ अच्छे से, ताकि ये पूरे के टिन में अच्छे से एक साथ होके बैठ जाए, सेट हो जाए। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क ब्रश करूंगी और फिर इसको पकने के लिए रखूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको ऊपर से मिल्क से कोटिंग कर रही हूं। इससे ये एक तो मॉइस्ट बनेगा और इस पे ग्लेस आएगा। थोड़ा सा मैंने रख दिया है मिल्क इसमें कप में, क्योंकि जब ये बन जाएगा फिर इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे मिल्क की। मैं इसको अब कढ़ाई में रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, 10-15 मिनट से ये गैस पे रखी हुई है। और इसमें मैंने देखिए अपना नमक रखा हुआ है जो पहले से मैं बेकिंग में यूज़ करती आई हूँ, रैक रखा है। मैं इसको गरम कढ़ाई में इसको रख रही हूँ और अब मैं इसको ढक दूंगी और ये मैं श्योर कर लूंगी कि इसमें कहीं से भी एयर बाहर ना जाए। और आपको ज्यादा लगता है तो आप इसके ऊपर एक हैवी चीज रख सकती हैं। ये पूरा सब तरफ से कवर है, इसकी हीट मेंटेन है और आप इसको बिल्कुल लो मीडियम हीट पर 30 से 40 मिनट तक रखे रहने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी ब्रेड हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ नाइफ इंसर्ट करके। देखिए ये हो गई है और अब मैं इसको इसमें से निकाल लेती हूँ। ये फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, इसलिए मैं इसको अभी टच नहीं कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने की मैं इसको टच कर सकूँ। अभी अभी मैंने इसको कढ़ाई में से निकाला है और इसको तकरीबन बनने में आप एक घंटा मानकर चलिए लगा। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये कभी 30-40 मिनट में भी बन सकता है, 50 मिनट में भी और एक घंटा भी लगा, क्योंकि आपका गैस का टेम्परेचर कितना जा रहा है, फ्लेम का, कढ़ाई भारी है कि हल्की है और कितना ढका हुआ, इससे टेम्परेचर पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो आप परेशान मत होइएगा, इसको एक ही टेम्परेचर पर रखे रहने दीजिए और आपको, लेकिन एक बात मानकर चलिए 40 मिनट्स तो इसको लगते ही लगते हैं बनने में। 40 मिनट्स के बाद ही आप इसको टच करना शुरू करिएगा कि ये हुई है या नहीं हुई, और आपको नाइफ इंसर्ट करने से पता चल जाएगा कि ये हुई है या नहीं हुई है। अभी ये बहुत गर्म है, मैं इसके ऊपर मिल्क ब्रश करूंगी इसको, जिससे ये थोड़ी सी
सॉफ्ट रहे, इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। जो मैंने मिल्क रखा था, मैंने आपको बताया था कि मिल्क रखा है मैंने, वो मैंने इसके ऊपर ब्रश से कोट कर दिया है। देखिए मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, आप चाहें तो इसको ऊपर से ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेड को बहुत ज़्यादा ऊपर से ब्राउन नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या है कि जितनी ऊपर से ही ब्राउन होगी तो नीचे से भी ये ज़्यादा सिकेगी। आप जब ओवन में करते हैं या गैस तंदूर में करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जब रॉड से ये गर्म हो कर के ऊपर से ये क्रस्ट आ जाता है और ये लाल हो जाती है। ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने लगी है, बात करते करते ही ठंडी हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अभी ठंडा हुआ है कि मैं हाथ लगा सकती हूँ, गर्म अभी भी है। और देखिए ये मैंने जब इसको फिल किया था तो ये आधा डिब्बा था, आपने देखा होगा ये फूल कर, देखिए इतना हो गया है। इसको मैं डीमोल्ड कर रही हूँ इसमें डिश में, बड़ी इजीली ये निकल जाता है। ये देखिए नीचे से कितनी अच्छी ब्राउन हुई है। मैं कह रही थी ना आपको कि मेरी ब्रेड मैं ऊपर से उतनी ब्राउन नहीं करती हूँ कभी भी। ये देखिए आप नीचे से कितना इजीली ये इसमें से, आप इसको पूरा पील ऑफ कर दीजिए, निकाल दीजिए आप इसको, इजीली निकल जाता है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये देखिए सारे मैंने इसके ये पील ऑफ कर दिया है, निकाल दिया है। अब मैं आपको इसका पीस करके दिखाती हूँ, देखिए बहुत इजीली इसके पीस हो जाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी जाली है, आप ब्रेड का स्लाइस देख सकते हैं, देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही अच्छी ब्रेड बनती है ये। आप मेरी इस रेसिपी से आप ब्रेड ट्राई करिए, बहुत इजी है बनानी, बिल्कुल भी एक तो टाइम नहीं लगता बनने में। ये देखिए आप इसके स्लाइस देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट मॉइस्ट है और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है ब्रेड। तो आप मेरे इस रेसिपी से आप ट्राई करिए ब्रेड बनानी, देखिए आप बहुत ही अच्छी ब्रेड बनती है ये, आप ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए मेरी इसी रेसिपी से ब्रेड। और देखिए बनने में क्या है, धीमी धीमी आंच पे बनती है, अच्छे से फूलती है, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ब्रेड है। अभी बहुत गर्म, अभी भी गर्म है तो, लेकिन आप देखिए कितनी सॉफ्ट है। आप आराम से घर में बनाइए, लॉकडाउन है घर में रहिए, घर में सब कुछ बन जाता है, घर में ही ट्राई करिए, कम से कम बाहर निकलिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अपने परिवार के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं। अनूठी में विज़िट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अनूठी में विज़िट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अनूठी।